Palag, Kashicho YouTubians. I am back with the another video, and this time I will be showing you a wedding makeup look. And मैं अभी skin prep कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने Mamaearth का moisturizer apply किया. After that I am using sunscreen, obviously Neutrogena का, जो मैं हमेशा use करती हूँ. And इसके बाद मैं Vaseline lips पे लगाऊंगी, so that मेरे जो lips हैं वो dry ना हो जब मैं lipstick लगाऊँ. अब सबसे first utmost step of the मेकअप लुक, आप प्राइमर लगाएंगे. मैं प्राइमर लगाती हूँ, फेसेस कैनेडा का प्राइमर है. फिंगर से जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे पोर्स बड़े हैं वहाँ पे मैं सारा अप्लाई कर दूँगी एंड ब्लेंड कर दूँगी विद यूजिंग माय फिंगर्स. ये फेसेस कैनेडा का प्राइमर बहुत अच्छे से शाइन देता है फेस पे. मैं हमेशा DIY करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं इस बार लिपस्टिक से अपने सारे डार्क सर्कल्स एरियाज को या जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर अप करूँगी. एंड ये मैट लिपस्टिक है, इसीलिए 2 मिनट वेट करने के बाद ये पूरा ड्राई हो जाएगा. इसके ऊपर मैं इनसाइड का प्राइमर यूज करूँगी, कंसीलर प्राइमर. सारे डार्कर एरियाज में इसको अप्लाई कर दूंगी एंड ब्लेंड कर दूंगी बाय यूजिंग माय फिंगर्स. प्राइमर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन. फाउंडेशन में मैं कुछ भी लगाने नहीं वाली हूँ, बट सेटिंग स्प्रे मैं स्प्रे कर दूँगी, सो दैट जब मैं अप्लाई करूँ तो अच्छे से सेट हो जाए मेरी स्किन में. फर्स्ट इम्प्रेशन में ऐसा लगेगा कि मैंने ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ किया है, बट अगर आप मेरा नेक एरिया देखेंगे तो ये मेरे स्किन टोन से मैच होता है. मुझे थोड़ी सी टैनिंग हो चुकी है, इसीलिए ये थोड़ा सा लाइटर शेड मेरे पे नज़र आ रहा है. अदरवाइज अगर आप मेरे नेक लाइन में देखेंगे, नेक एरिया में कलर सेम है एकदम. अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. Now on the other part of the face, blend it well. जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक मैं ब्लेंड करती रहती हूँ. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 5 to 10 minutes. अब मेरे पास ये मैंने मीशो से एक स्टिक मंगवाई थी, कंटोरिंग स्टिक. बहुत ही लाइटर शेड है इसका, तो मैं थोड़ा थोड़ा और सारे अपने हायर पॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर दूंगी. अगेन विद द सेम ब्रश आई एम ब्लेंडिंग इट. अब बारी है कंसीलर यूज करने की. अंडर द आई, नोज के ऊपर, चीक बोन्स एंड फोरहेड, सारे रिक्वायर्ड एरिया में मैं उसको अप्लाई कर दूंगी. एंड आफ्टर 2 मिनट्स ब्लेंड कर दूंगी by using blender. अभी ऐसा लगेगा कि फेस ज़्यादा वाइट हो चुका है, बट एट द एंड लिपस्टिक काजल सब कुछ अप्लाई करने के बाद वो फेस पे निखार आएगा एंड यू विल सी द डिफरेंस. ब्लेंड 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 इट वेल. एज आई ऑलवेज से हमेशा ब्लेंड अच्छे से कीजिए, सो दैट फेस पे पैचेस नजर ना आए. अब मैं ये लूज पाउडर ले रही हूँ, HD कंसीलर. एंड ये थोड़ा सा येलोविश टोन में है, बनाना इसका शेड है. एंड सारे रिक्वायर्ड एरियाज में इसको अप्लाई कर दूंगी, एज यू कैन सी इन द वीडियो.
थोड़ा सा एक्सेसिव पाउडर मैं ब्रश की हेल्प से निकाल दूंगी। आफ्टर दैट मैं स्प्रे, सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी। सेट होने का टाइम दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 minutes एंड इसके बाद मैं ब्लश ऑन करूंगी। स्माइल करो, चीक बोन्स में आपको वो एरिया ऑटोमेटिकली नजर आ जाता है जिसके ऊपर आप ब्लश ऑन करते हैं। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा, मैं ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं करती हूँ, बहुत लाइट ही रखती हूँ सो दैट वो ज़्यादा फेस पे नज़र ना आए। इट शुड लुक ऑन द फेस बट इट शुडन्ट लुक मोर, तो मैं थोड़ा सा ही अप्लाई करती हूँ। अब बारी है आईब्राउज की। पहले मैं लाइंस बनाती हूँ नीचे वाले पार्ट में आईब्रोज के एंड ऊपर वाले पार्ट में, फिर नीचे इसके गैप्स को फिल कर देती हूँ। फिल द गैप्स एंड फिनिशिंग देने के लिए HD कंसीलर लेके इसके आउटर इनर पार्ट में लाइन ड्रॉ करके ब्लेंड कर दूंगी, एक फिनिशिंग आ जाएगी, लाइन आ जाएगी और बहुत क्लीन लुक हो जाता है आईब्राउज का। थोड़ा सा फोरहेड में, थोड़ा सा नोज के ऊपर एंड अब बारी है आई शेडो की। मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है, बहुत ही लाइटर ऑरेंज शेड लेके पूरा ब्लेंड कर दूंगी आईज क्रीज पे एंड मैं एक ही टाइम पे दोनों आईज पे मेकअप करती हूँ, पहले एक आईज में फिर दूसरी आईज में, सो दैट वो डिफरेंस बाद में ज़्यादा ना आए। ऑलमोस्ट सेम से मैं दोनों आईज का मेकअप करती हूँ। फिंगर को क्लीन करने के बाद अब मैं लूंगी एक शिमरी शेड, मेटेलिक शिमरी शेड है ये एंड दैट्स इट। आईज के ऊपर बस मैं इतना ही करने वाली हूँ, बाद में ऑब्वियसली मैं थोड़ा शिमर ऐड करूंगी हाईलाइट करने के लिए एंड अब मैं आई के नीचे वाले पार्ट में फिनिशिंग टचेस एंड मेकअप लुक कंप्लीट करने के लिए आई शेडो अप्लाई करूंगी। फर्स्ट मैंने ये थोड़ा सा पिंकिश रेड कलर में शेड लिया है, ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। इसके बाद मैं ट्रांजिशन कलर लूंगी इसका ब्राउन कलर और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ऑन बोथ दी आईज। आई मेकअप करना पेंट करने के इक्वल होता है, दैट्स व्हाट आई थिंक एंड मैं इसको ऐसे ही करती हूँ और मुझे आई मेकअप लुक अलग अलग तरीके से करना बहुत अच्छा लगता है। ब्राउन कलर के बाद आई विल बी यूजिंग ब्लैक कलर का शेड, बहुत थोड़ा सा, एकदम इनर पार्ट पे थोड़ा सा डार्कर टोन देने के लिए। इट हैज नॉट फिनिश्ड येट, अब इसके बाद मैं काजल अप्लाई करूंगी। काजल ऑब्वियसली मेबेलिन का काजल है ये, इसी का ब्रश यूज करके मैं लगाऊंगी। वेडिंग मेकअप लुक को काजल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो काजल अच्छे से लगाइएगा एज आई हैव अप्लाइड इट। नाउ लुक एट द आई मेकअप लुक, कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी ये फिनिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा शिमरी ऐड करूंगी, शिमरी शेड ऐड करूंगी। आईलैश कर्लर, मस्कारा एंड द आई मेकअप लुक हैज फिनिश्ड एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा जो भी थोड़ा सा बचा हुआ मस्कारा होता है वो मैं थोड़ा अपने आईब्रोज में लगाती हूँ सो दैट मेरा आईब्रो इंटैक्ट रहे। अब बारी है लिपस्टिक अप्लाई करने की। ये मैं जूडियो से लेकर आई थी, ब्राउन शेड है ये, इसको मैं सिर्फ आउटलाइनिंग के लिए यूज करूंगी एंड इनसाइड द लिप्स मैं पिंक कलर का लिपस्टिक यूज करूंगी।
अब बारी है सारे हायर पॉइंट्स को हाईलाइट करने की विद द शिमरी शेड एंड माय मेकअप वेडिंग लुक इज फिनिश्ड। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा।